हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ शादी में। मैंने बच्चों के लिए खाना रेडी कर दिया है, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ भ्याड़ी। यहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पैदल चलूँ, क्योंकि आगे आंटी मेरा वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, मुझे आंटी भी मिल गए हैं, तो अब हम दोनों ही हैं यहाँ पे, गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब हम निकले। फाइनली हमें गाड़ी मिल गई है, तो फिर हम निकल रहे हैं अंकल की तरफ। तो पहुँच गए हैं हम ऊपर, ये है धारा रोड, धारा। तो फिर ये मेरा ननिहाल है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो अभी हम जाएंगे जहाँ पे शादी लगी हुई है, उस वाले गाँव में जाएंगे हम। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे मामा का स्वागत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मतलब ब्रदर्स वगैरह है, तो यहाँ पे शादी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। तो ये हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये है गरुड़ ऋषि महाराज जी, यहाँ के देवता। तो फिर अभी यहाँ पे मामा तेल वगैरह, मतलब जो दूल्हे के लिए तेल डालते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गई मेरी भांजी, ये अभी है, बहुत ही क्यूट सी गर्ल है, मेरी फेवरेट, और इसकी मैं हूँ फेवरेट। हाँ जी, वीडियोस बनाने का बहुत शौक है जी। यहाँ पर दूल्हे को तेल चढ़ाया जा रहा है, हमारे मतलब जो पहाड़ी मतलब होता है उसमें, मतलब हम ऐसे ही दूल्हे को पहले तेल चढ़ाते हैं, शायद हर जगह ऐसा होता होगा, हिमाचल की बात करूँ तो। हाँ, तो फिर ऐसे ही तेल चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पे। ये है दादी पोती खेल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, डांस करो जाओ। तो ये मामा वगैरह जो है वो लाठी डाल रहे हैं। बाबू, डोंट डू, आ गई थी लड़कियां। तो फिर मैंने बोला इनको, चलो 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 डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ा। तो फिर इनके साथ बैठ गई, पहले डांस ही नहीं कर रही थी, फिर मेरे को खुद ही डांस करना पड़ा, मतलब तब जाके इन्होंने डांस किया। असर पुरुष जनार तिरछी गुण बबड़ी तेरा तारे।
तो गाइस मुझे भी मतलब जल्दी म्यूजिक लगता है तो पता नहीं क्यों मतलब पैर देखने लगते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी डांस कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो मैं भी शुरू हो गई। तो गाइस जब अपने शेरे वाले आ गए थे सीधा नीचे, तो फिर हम ऊपर आ गए, तो फिर आप देख रहे हो मतलब उनका मतलब रुक जा एक पापा आने वाले हैं कहीं से, रुक जा एक मिनट। तो गाइस शादी में बहुत टाइम था, क्योंकि इसके बाद मतलब दूल्हे को सेहरा लगना था, उसके बाद शादी होनी थी, तो फिर हमें घर भी वापस आना था, इसलिए हम घर की ओर चल पड़े। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो शादी शायद रात तक ही होनी थी। तो लार्जी में मुझे अपनी फ्रेंड मिल गई थी, तो फिर मैं इनके साथ ही आ गई वाली चौकी। तो गाइज आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।